गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह के बज गए हैं 10 और हम निकल चुके हैं घर से। ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं, शायद जा रहे हैं हम पीएम एस्टेट, प्राइम मिनिस्टर एस्टेट, वहाँ पे कुछ काम है तो देखते हैं। बाकी दूसरी चीज़ बहुत सही लग रहा है कि 101 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। 101 पूरे हो गए, मुझे लग नहीं रहा था इतना होगा जब शुरू किया था। तो चलो अब 101 लोग तो हैं जो देखते हैं मेरे वीडियोस, पर वीडियोस अच्छे आने वाले हैं। मैं फिर से घूमने जा रहा हूँ, अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे, प्लान बन रहा है धीरे धीरे, तो देखते हैं, वो भी अच्छा होएगा। दूसरा भाई मेरा दूसरा सपना जो है वो है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग मेरे को करनी है। बंजी जंपिंग का वीडियो देख चुके हो, वो बंजी जंपिंग अगर करनी है तो मेरे को बताओ। वो गुड़गांव के पास कहीं पे है, ज़्यादा महंगी मुझे लगी नहीं क्योंकि मेरे पास तो पास था। आप भी उनके डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं तो पास आप ले सकते हो, प्रमोशनल नहीं है लेकिन हाँ आप पास ले सकते हो। indiabungee.com करके उनकी साइट है। तो देखो वो अलग अलग स्टेट में है, गोवा, पुणे, दिल्ली। तो दूसरा अब मैं देख रहा हूँ स्काई डाइविंग मैंने देखा था तो वो नरनौल में होती है, कंपनी है कोई स्काई हाई इंडिया, तो वो भी देख रहे हैं। अब वो करनी है यार स्काई डाइविंग, वो मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है। मेरा मन तो है दुबई जाके करने का, लेकिन अभी जब तक दुबई नहीं जा सकते तब तक तो यहीं करना पड़ेगा। और हाँ गाइस, जो भी इस चैनल पे नया है वो पुरानी सारी वीडियोस एक बार देख लो। स्काई डाइविंग की डाली है मैंने, एक मैंने बहुत छोटी सी डाली थी, वॉज नॉट प्लानिंग टू डू अ व्लॉग, पर हाँ सरप्राइजिंग माई सिस्टर ऑन अ बर्थडे, उसको बिना बताए मैं पहुँच गया था उसके घर पे, तो वो भी था, वो सरप्राइज ही है, मतलब मैंने उसको बताया नहीं था, बहुत छोटा सा बनाया था। वॉज नॉट प्लानिंग टू मेक अ व्लॉग बट जस्ट टू मेक अ वीडियो फॉर द मेमोरी। दूसरा मतलब मेरा एक्चुअल व्लॉग जो है वो यही है, कसौल वाला। दूसरा गाइज मेरे को यही बताओ कमेंट करके कि क्या व्लॉगिंग गियर होना चाहिए, मतलब व्हाट इज द परफेक्ट व्लॉगिंग गियर अगर कोई है तो, अगर कोई व्लॉगिंग करता है या किसी को पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे थे, कोई कुछ बोलता है, somebody saying something, somebody else is saying something, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। किसी को पता है तो बताओ कि व्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया सेटअप क्या है, मतलब ऐसे कार में व्लॉगिंग के लिए, हैंड हेल्ड व्लॉगिंग के लिए, जिसमें मतलब क्वालिटी अच्छी आए। क्वालिटी तो मैं 4K में डाल ही रहा हूँ अब, पर ये 4K फ़ोन वाला ना 4K जस्टिस करता नहीं है। फ़ोन से हो जाता है, मैनेज हो जाता है, मतलब जस्ट टू व्लॉग योर डे। लेकिन और गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, लाइक किया करो वीडियो को, कमेंट किया करो वीडियो में, बड़ा मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में भी, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करो, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ना मोटिवेशन मिलती है। ऐसे 101 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो अब लगता है कि वीडियो बना रहे तो यार चलो 101 लोग तो देख रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूर मिलती है जब लाइक्स देखते हैं, जब लोग कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और बस अगर मज़ा आ रहा है तो मज़ा आता रहेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मज़ा करा देंगे भाई। तो गाइस और भी कुछ आइडियाज़ दो, कहाँ घूमने जा सकते हैं अभी, कहाँ मौसम है, क्या देखना है आपको वीडियोस में, अगर कुछ स्पेसिफिक है, मतलब फूड सिर्फ खाना देखना है कि पूरा ट्रैवल देखना है कि पूरा लाइफस्टाइल जो मेरा है वो देखना है। गला ख़राब हो गया यार, चलो अभी दवाई ले लेंगे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बाकी ज़रूर बताओ कि डिमांड क्या है, क्योंकि अगर मतलब आप लोग व्यूअर्स हो, ऑडियंस हो, अगर आपकी कुछ डिमांड है तो वो बताओ, डिमांड स्पेसिफिक भी बनाएंगे वीडियोस, और ट्रैवल तो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि डेली व्लॉग्स डालते रहें, डेली व्लॉग्स डालें डेली। आई डोंट थिंक के कर पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। जितनी भी आपने पीछे 2 वीडियोस 3 वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने खुद ही एडिटिंग की है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर एडिटर, अगर कोई एडिटर है तो प्लीज़ कॉमेंट करो, मेरे को एक एडिटर चाहिए।
ईमेल आईडी मैं लिंक में डाल देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। क्या पूछना है? कि तेरी शादी है? तो दोस्तों इनकी शादी है। कब? कब है? नवंबर में ना, मिड नवंबर में, मतलब ऐसा आधा नवंबर, मिड नवंबर में इसकी शादी है। इसको कराना है भाई प्री वेडिंग शूट। तो अब जो भी है उधर, जो भी बाहर, इस गाड़ी के बाहर, जिसको भी पता है कि कहां पे कर सकते हैं ऑन अ बजट, जो भी कर सकता है ऑन अ बजट, कैन कॉन्टैक्ट मेरे को। मैं अपना जीमेल अकाउंट, जीमेल आईडी नीचे दे दूंगा, और फोन नंबर थोड़ी दूंगा यार, व्हाट्सएप थोड़ी दूंगा, क्यों सब भर देंगे। बट मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, उसमें मेरे को डीएम कर दो जो भी है, जो या तो उसके बाद लोकेशन और फोटोग्राफर दोनों ही चाहिए यार, फोटोग्राफी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी चाहिए, और टाइम कंस्ट्रेन होगा, बजट मैनेजेबल है, बजट जितना तुम बोलोगे कम से कम में हम लोग कर लेंगे। और बताओ और क्या चाहिए? पीएम हाउस है, पीएम एस्टेट यार, तो ऐसे बीच में बोला कर यार, एडिट करना पड़ता है यार ये बहुत मेहनत लगी यार एडिटिंग में यार, वीडियो खत्म होने के बाद बोलो हाँ जब तक वो रास्ता कवर नहीं, तो रास्ता क्यों दिखाना लोगों को, रास्ता तो मैंने दिखा देना आते हुए, अब बताना ना अब करना क्या है, अब पता नहीं साला वहाँ, अब गाइस पता नहीं हम जा तो रहे हैं पीएम स्टेट, पता नहीं वहाँ ये वीडियो बनाने देंगे भी नहीं बनाने देंगे, पता चले के मना कर दे भाई व्लॉगिंग नहीं कर सकते तुम अंदर, लुल हो जाएगा हमारे साथ, अच्छा कुछ वो भी है भारत बंद भी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो रखी है उधर से, और हम यहाँ से घुस रहे हैं पीएम एस्टेट, देखते हैं भैया। भाई ऐसा कुछ दिखता है पीएम एस्टेट, देख लो हम यहाँ पे, और मेरी बहन है वो पोलियो पिलाने भी आई हुई है, मेरे को कुछ काम था रस्ते में मिल गया, वो बोली मेरे को यहाँ जाना है, मैंने कहा ठीक है, पता नहीं ये वाली ही डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, पर ट्राई करेंगे, वैसे पूछती है सबसे के बच्चे हैं कि नहीं है, और फिर पोलियो पिलाती है। चलो मिलते थोड़ी देर में। ये देखो गाइस क्या मिला हमको यहाँ पे, यहाँ पे है पीकॉक, हाय पीकॉक से हाय, हाय पीकॉक से हाय, पीकॉक नो पीकॉक। तो गाइस दो मोर और दिख गए हैं, ये देख लो, पता नहीं यार हमारे घर के पास तो नहीं दिखते हैं, यहाँ पे मोर ही मोर दिखे जा रहे हैं, पर मज़ा आ रहा है, रास्ता कुछ ऐसा है, बढ़िया रास्ता है, बढ़िया बनाया हुआ है, पता नहीं कब ड्यूटी ख़त्म होएगी ये मैडम की, उसके बाद देखो जाएंगे कहीं खाने, खाना दिखा दे आज आपको, पहले बता बोल तो रहा हूँ ऐसे, पता नहीं खाने जाएंगे भी नहीं, जी नहीं जाएंगे, पिछले व्लॉग में तो पोपट हो गया था, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हुआ कुछ नहीं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है पर मज़ा आ रहा है। तो फाइनली ये मैडम जो है मोतीबाग लेके आई है, पता नहीं यहाँ पे बोल रही है आंटी इडली सांभर वड़ा सब देती हैं, डोसा नहीं है, उत्तपम नहीं है, सिर्फ दाल वड़ा है, वड़ा नॉर्मल वड़ा है और सांभर है, इडली भी है, इडली सांभर, तो देखते हैं अभी खा के कैसा है, बताते हैं आपको। हाय पुनो, हाय लड्डू, हाय लड्डू, हाय, नीचे करके ले ले, गरम सांभर है, अरे एक सेकंड ये पहला आप पकड़ना, गरम है वो तेज है, अपने बॉस दिखाओ, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ,
लड्डू का हो? ओ वाओ, लड्डू क्या हुआ? चलो गाइस ये खा के देखते हैं अब कैसे हैं और बताते हैं। देखते हैं भाई कैसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तू कब से खा रही है यहाँ पे? पिछले 6 साल से। 6 साल से खा रही है? Yes. गरम बहुत है, सही है, टैंगी टैंगी है। इसमें नारियल की चटनी है, एक वो टमेटो चटनी है और बस इडली खुद ही तोड़ के डाली है, आपको काटने की जरूरत नहीं है चम्मच से, इसलिए प्लास्टिक वाले देते हैं। पर अच्छा ऑल इन ऑल, आओ कभी तो खाना, खाओ कभी तो बताना, नहीं तो हम फिर आ जाएंगे। तो भाई इडली खा के तो अपना हो गया है, अभी क्या और मंगाई मैडम ने? और मंगाई है भाई, और आ गई है। 4 से 4 मिल जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं करा है। हाँ हाँ नहीं अच्छा है, लेकिन टेस्ट अच्छा है भाई, बहुत सही है, मतलब खाने में तो मज़ा आ जाता है, पेट भर जाता है। या हमें ज़्यादा भूख है इसलिए भी ऐसा लग रहा होगा। एक चीज़ है कि खाने के बाद बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा। हाँ लाइट है, ऐसा नहीं है बहुत हैवी है। तो चलो भाई खाने दो, आप खा के मिलते हैं। अभी सो के उठे हैं, इडली खा के पता नहीं क्या ही हो गया था, पर इडली बहुत टेस्टी थी। लेकिन इडली खाने के बाद जो नॉकआउट हुआ ना, वह धमाकेदार नॉकआउट, पता ही नहीं चला कब बजे हैं, अभी 6:30 बज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चला कि 6 कब बजे, और अब निकल रहे हैं। सब्जी ले आते हैं थोड़ी बहुत यार, अभी तो बनेगी सब्जी। तो गाइस सब्जी ले ली गई है, अब घर जाके बनाई जाएगी। और ये वाला थोड़ा छोटा है, पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा बनाया, अभी देखते हैं एडिटिंग पे बैठेंगे तब। और अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कैसा है, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। और गाइस सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं पर वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई बहुत उसी से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मन करेगा और वीडियोस बनाने का, और उतनी अति अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा पाएंगे वीडियो में। बाकी एंजॉय करो गाइस, लाइफ है बहुत छोटी, जितना जी सकते हो जी लो, बाकी हम जितने जी रहे हैं आपको भी साथ जीने का मौका दे रहे हैं। और कल मिलते हैं, चलो गाइस बाय।